हेलो गाइस, वेलकम टू चैनल इंडिया मीनिया। मैं गुलशन चौहान आपको लेके आया हूँ। कोलकाता में एक बहुत ज़्यादा फेमस शॉप है, तो यहाँ पे लग रही है कोलकाता की फेमस, देखो चाट लग रही है यहाँ पे। तो ये शॉप का नाम क्या है? माँ तारा चाट सेंटर। ठीक है, तो मैंने सुना यहाँ की पापड़ी चाट बहुत ज़्यादा फेमस है। हाँ, बहुत फेमस है जी। ठीक है, तो ये भैया ने आलू डाल दिए इसमें, ये मिर्च है, तो ये आ गई हरी मिर्च, धनी पत्ता, ये हरी पत्ता आ गया यहाँ पे। तो भैया का डालने चाल देखो कितना बढ़िया है, और ये डाल दिए मसाले, और ये आ गया काला नमक आ गया। ठीक है, तो ये आ गया काला नमक। तो भैया बहुत ही ज्यादा क्वांटिटी में चाट बनाते हैं यहाँ पे, तो अब देखना भैया का टमाटर काटने का स्टाइल, तो एकदम बढ़िया तरीके से सारी चीजें करते हैं। भैया का बनाने का स्टाइल मुझे बहुत ही बढ़िया लगा। तो ये डल गया टमाटर। भैया कितना टाइम से लगा रहे हो दुकान? बहुत साल से भी है। अच्छा, बहुत साल हो गए। तो ऐसी क्या खास बात है कि लोग इतने दूर दूर से आते हैं आपके पास चाट खाने के लिए? अब क्या बता भैया, ये तो पुराना दुकान है ना। अच्छा, इसलिए खाने आते हैं। तो पूरा स्वाद वैसे मेंटेन रखते हो पूरा? भैया कौन सी चटनी है ये? ये मीठी चटनी है। मीठी चटनी सोट की? हाँ। ठीक है, और ये टोक है, खट्टा है। अच्छा, खट्टा है ये। ये किस चीज से बना होता है? ये इमली है। इमली का? ठीक है, तो ये देखो भर के बनाया भैया ने एकदम, तो डोंगा भर के बना रहे भैया चाट एकदम। तो यही खास बात है यहाँ की भैया, एकदम मसालेदार बनाते हैं ये, और चाट एकदम बढ़िया तरीके से बनाते हैं चटनी डाल के। तो भैया की यहाँ की पापड़ी चाट बहुत ज़्यादा फेमस है। भैया प्राइस क्या रहता है एक प्लेट का? एक प्लेट का 40 का है, 50 का है, 60 का है। अच्छा, छोटा प्लेट मिनिमम 30 रुपये का है। ठीक है, तो एक प्लेट में कितनी पापड़ी डालते हो? 8 पीस डालते हैं। ठीक है, और ये सोन में डाल दी भैया ने। ये देखिए लगाने का स्टाइल देखिए भैया का, अरे वाह। तो ये आपको सिर्फ कोलकाता में देखने को मिलेगा। और भैया लोकेशन क्या है ये? सामराट रामडुगू है। अच्छा, तो आप यहाँ पे आके भैया से चाट टेस्ट कर सकते हो। तो ये हमारी लग रही है पापड़ी चाट, दो प्लेट लग गई यहाँ पे। तो भैया एकदम ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी बनाते हैं यहाँ पे, जितना ज़्यादा कस्टमर आता है उस हिसाब से बनाते हैं। तो एक साथ 20 प्लेट भी लगा देते हो आप? 20 प्लेट भी लग जाते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो देखो ये चटनी लग चुकी है 3 प्लेट में। तो भैया इसके अलावा और क्या क्या लगाते हो? पापड़ी चाट है, घुगनी चाट है, ढिकिया चाट है, सिंघाड़ा चाट है, मिक्स चाट है, भेलपुरी है, दही पुचके है, दही चाट है। अच्छा, तो सबसे ज्यादा लोग क्या खाना पसंद करते हैं? सबसे ऐसे तो ऐसे पापड़ी चाट सब पसंद करते हैं। अच्छा, तो देख सकते हो ये प्लेट्स लगी, 5 प्लेट लगी यहाँ पे, और ये मसाला डाल रहे हैं। स्टाइल देखो भैया का डालने का। तो एकदम फटाफट काम चल रहा है, तो नॉन स्टॉप काम चलता है, भैया फटाफट बनाते हैं सारा। ये देखिए भैया का डालने का स्टाइल। तो ये सेव डल रही है, अब ये डालेंगे भैया दही। ये दही की पूरे एकदम बढ़िया तरीके से दही डाल रहे हैं इसमें। तो ये है फेमस कोलकाता की पापड़ी चाट, और इसका एक प्लेट का प्राइस है 40 रुपीस। तो ये डाल दी भैया ने हरा धनिया, तो मसाला है। ठीक है, ये ठीक है, ये नमक है टेस्ट के लिए। दुकान की टाइमिंग बता दीजिए एक बार, क्या रहते हैं टाइमिंग? 8 बजे से 9 बजे तक। ठीक है, और हफ्ते में कितने दिन खुली रहती है ये? 365 दिन खुला रहता है। अच्छा, मतलब 7 दिन खुली रहती है। तो भैया आप दही वाले गोलगप्पे लगाने जा रहे हैं, मान लीजिए ये दही पुचका लग रहा है यहाँ का। हाँ जी, फेमस है। तो ये डाल दी भैया ने सारे मसाले डाल दिए इसमें। तो ये भैया ने आलू का पेस्ट डाल दिया इसमें। तो भैया एक प्लेट में कितने रहते हैं? एक प्लेट में ओनली 8 पीस रहते हैं। ठीक है भैया, यहाँ का एड्रेस बता दीजिए प्रॉपर एक बार। शाम बाजार ट्राम डिबू माँ तारा चाट सेंटर। ठीक है, तो यहाँ पे आके इनके दही पुचके खा सकते हैं, और इनकी पापड़ी चाट खा सकते हैं। हाँ जी, ये देखिए इसमें मसाला डाल दिए। ठीक है भैया, ठीक है, इसमें झूठी बाजार डाला हूँ। ठीक है, सेब आ गई है, आलू छिला हो गया। हाँ जी भैया, ये देखिए मैं प्लेट उठाया, इसमें उसके बाद मैं चटनी डाल रहा हूँ। ठीक है, ठीक है, ये आ गई चटनी। तो ये आ गया दही। देखिए मसाला डाल रहा हूँ टेस्ट के लिए, ये नमक है, ये देखिए धनी पत्ता है, और ये आ गया हरा धनिया, रेडी हो गया। ठीक है भैया, ठीक है। तो कोलकाता की फेमस पापड़ी चाट यहाँ पे लग चुकी है, तो देख सकते हो ये है इनकी पापड़ी। तो इसमें इन्होंने 8 पीस डाले हुए हैं, और ऊपर से इन्होंने काफ़ी सारे मसाले डाले हैं, और आलू डाला है, आलू के साथ काफ़ी ज़्यादा मसाले डाले इन्होंने, और ऊपर से थोड़ा सा हरा धनिया डाला है।
तो इसको मैं टेस्ट कर लेता हूँ। तो पापड़ी इनकी काफ़ी ज़्यादा लाइट है और ऊपर से जो उन्होंने आलू डाला है, मसाले डाले हैं और चटनी डाली है, काफ़ी अच्छा टेस्ट आ रहा है। दही इनका काफ़ी फ्रेश है। तो अगर आप कोलकाता विजिट कर रहे हो तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि यहाँ पे आके इनकी पापड़ी चाट ज़रूर ट्राई कीजिए, बहुत ज़्यादा बढ़िया है। तो ये है इनका पुचका, तो इसमें इन्होंने आलू डाला है थोड़े से मसालों के साथ, दही डाला हुआ है और थोड़े से सॉसेस डाले हुए हैं। तो अब इसको टेस्ट कर लेते हैं एक बार। तो काफ़ी ज़्यादा टेस्टी हो रहा है। इन्होंने जो आलू डाले हैं, मसाले डाले हैं, बहुत ही अच्छे हैं। तो इनका कॉम्बिनेशन काफ़ी अच्छा लग रहा है दही के साथ। तो ओवरऑल मुझे इनके दही पुचके काफ़ी अच्छे लगे और इसका प्राइस मैं आपको बताऊँ, इसका प्राइस है 40 रुपीज़। तो अगर आप भी ट्राई करना चाहते हो तो कोलकाता आके इसको ट्राई कर सकते हो। तो मैं जल्दी से फिनिश करता हूँ, मैं तो आपसे नेक्स्ट वीडियो में।